मतदान किया है, किस मुद्दे को लेकर आपने आज मतदान किया है? मुद्दे हमारे इस सरकार के जो कुशासन रहा है 5-10 साल का डबल इंजन की सरकार का, वही हमारा मेन मुद्दा है। क्षेत्र का विकास, रोजगार, महंगाई इतनी बढ़ गई है, युवाओं का रोजगार और किसानों का पेमेंट, ये सब हमारे मुद्दे हैं। कई बूथों पर जो है शिकायत आ रही है कि ईवीएम मशीनें, आपने ट्वीट भी किया है, क्या मामला है? जी, कई बूथों पर सुबह से शिकायत आ रही है कि मशीन काम नहीं कर रही है। 2-3 घंटे से कई मशीन ऐसी है जिनके खिलाफ हमने शिकायत करी है और चुनाव आयोग से और प्रशासन से हमारी यही उम्मीद है कि वो इसका संज्ञान ले और निस्तारण कराए और हमें एक्स्ट्रा टाइम भी दे उन बूथों पर जहाँ पर वोटिंग रुकी रही 2-3 घंटे। एक तो आज मौसम भी बड़ी इसमें फैक्टर है, मौसम गर्म बहुत है आज, और जो गेहूं की कटाई है उसकी वजह से लोग खेतों में बहुत है, तो वो भी एक बड़ा कारण है। और उम्मीद है कि 1-2 बजे के बाद मतदान में बढ़ोतरी होगी। इलेक्शन कमीशन में शिकायत की है? जी बिल्कुल, की है हमने। जिन बूथों पर मशीन सुबह से नहीं चल रही है वहाँ पर शिकायत करी है और कई जगहों पर महिलाओं के बुरखे उठा उठा कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, जहाँ से वो दिक्कत में आ रही हैं और इससे एक गलत मैसेज जा रहा है। और कई कई पर मतदान के बाहर लाइन लगवा रखी है, जिससे लोगों के मन में ये भावना उत्पन्न हो रही है कि शायद मतदान नहीं करने दे रहे, तो उस वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं। तो ये सारी जो प्रशासनिक दिक्कतें हैं इनके निस्तारण के लिए हमने आवाज़ उठाई है और हमें उम्मीद है चुनाव आयोग इन्हें सॉल्व करेगा। में जो है ना बहिष्कार किया गया है, क्या प्रभाव मिला? देखिए, रसूलपुर में पिछली बार 95% पोल भाजपा के पक्ष में हुआ था और वहाँ पर जो नाराजगी है वो हमारे हाल के जो वर्तमान माननीय सांसद जी हैं उनके खिलाफ है, जहाँ तक मेरी जानकारी में आया है, और उनके खिलाफ ही वहाँ पर बहिष्कार हुआ है। थैंक यू।